उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन हुकूमत का अपने शहरियों का लबनान से इनखला का मशवरा। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा का कहना है कि गैर मुतवक सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयारियां जारी हैं। लबनान में कम अज कम 14,000 से ज्यादा कैनेडियन मौजूद हो सकते हैं। टोरंटो का मौसम सरमा में बेघर अफराद के लिए मंसूबा। दर्जा हरारत सेंटीग्रेड से नीचे आने पर 4 वार्मिंग सेंटर्स को खोल दिया जाएगा। हुकाम का कहना है कि शहर का शेल्टर सिस्टम पहले ही दबाव का सामना कर रहा है। रूस और चीन पायदार तरक्की के हुसूल के लिए काम कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस राब्तों के फरोग के लिए सड़कों के साथ साथ रेलवे ट्रैक वसी करने पर काम कर रहा है। चीनी सदर का कहना है कि आलमी मॉडर्नाइजेशन अमन और खुशहाली के लिए होनी चाहिए। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल कर लेते हैं खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Canada Lebanon se mumkin inkhila ki taiyari kar raha hai, lekin Canadians ko khabardar kar raha hai ki wo abhi wahan se nikal jayein. Mazeed janenge is report mein. Canada Lebanon se mumkin inkhila ki taiyari kar raha hai lekin Canadians ko khabardar kar raha hai ki wo abhi wahan se nikal jayein. Hukumat ka kehna hai ki wo Lebanon mein kam az kam 14,000 Canadians se waqif hain, lekin andaaze ke mutabik wahan aur bhi zyada hain. Wifaqi hukumat ke ahdedaron ka kehna hai ki agar Israel aur Hamas ki jang badh jati hai aur khitte ke us hisse tak phail jati hai to Canada Lebanon se shahriyon ke mumkin inkhila ki taiyari kar raha hai. Global Affairs Canada ke muawin naib wazir अलेक्जेंडर लियोविक ने सहाफियों को बताया कि सिफारती कोशिशें तनाज़े को बढ़ने से रोकने के लिए की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये सब इस उम्मीद पर है कि बाकी इलाके में चीज़ों को फैलने से रोका जा सकता है, लेकिन यकीनन गैर मुतवक्के सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयारियां जारी हैं। वाइस एडमिरल बॉब आचरलोनी ने कहा कि कैनेडा के मुसल्ला फौज ने कब्रस में एक टास्क फोर्स कायम की है ताकि अगर GAC की दरख्वास्त की जाए तो इनखिला में मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम ख्याल इतिहादी खत्ते में जारी या बढ़ते हुए तनाजात की सूरत में हंगामी कार्रवाइयों पर गौर करने, हम आहंगी करने और मनसूबाबंदी करने के लिए मिलकर तलाश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस बात पर इसरार कर रही है कि लबनान में कैनेडा के बाशिंदों को छोड़ने पर गौर करना चाहिए जब तक के दीगर ज़राए दस्तयाब हों। वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली ने कहा कि अगर आप लबनान में हैं तो अब वक्त आ गया है कि तजारती परवाज़ें अब भी दस्तयाब हैं। हुकूमत ने पिछले हफ्ते एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी जिसमें सिफारिश की गई थी कि कैनेडियन लबनान के तमाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। ये कैनेडियन बाशिंदों को मुल्क के जनूबी इलाके के तमाम सफर से गुरेज करने की तनबीह भी कर रहा है। इसराइल ने लबनान के साथ अपनी शुमाली सरहद के करीब वाकिया कस्बों को खाली करा लिया है, जहां फौज ने हिजबुल्लाह ग्रुप के साथ बार बार फायरिंग का तबादला किया है। टोरंटो ने मौसम सरमा में बेघर होने की हिकमत अमली की नकाब को शाई की, क्योंकि पनाहगाह का निज़ाम पहले से ही गुंजाइश से ज्यादा फैला हुआ है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो ने मौसम सरमा में बेघर होने की हिकमत अमली की नकाब को शाई की, क्योंकि पनाहगाह का निज़ाम पहले से ही गुंजाइश से ज़्यादा फैला हुआ है। टोरंटो के हुक्काम का कहना है कि इस मौसम सरमा में बिस्तरों की मांग बढ़ जाएगी। पहले ही कनाडा का सबसे बड़ा शेल्टर सिस्टम लोगों को दूर कर रहा है। अक्टूबर तक शहर का शेल्टर सिस्टम 10,700 लोगों को पनाह दे रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 275 दीगर लोग वापस जा रहे हैं। शहर के बेघर होने के इकदाम के डायरेक्टर
गॉर्ड टेनर ने शहर के मौसम सरमा में बेघर होने के मनसूबे का इश्तराक करते हुए कहा कि पनाह गाहों में तकरीबन 40% लोग पनाह गुजीनों के दावेदार हैं और शहर के पास इस बात की वाज़े तस्वीर नहीं है कि दर्जा हरारत में मुसलसल कमी के बाइस मज़ीद कितने टोरंटोयन बाशिंदों को पनागाह की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा, जब सर्द मौसम बाहर रहना मुश्किल और मुमकिन तौर पर जानलेवा बना देता है तो हम अहम ज़रूरत को पूरा करने के काबिल होना चाहते हैं, लेकिन शहर का हंगामी पनागाहों का निज़ाम सलाहियत पर है। हमारे पनागाहों का निज़ाम भरा हुआ है और निज़ाम पर दबाव बढ़ रहा है। ट्रेनर का कहना है कि शहर नवंबर से अप्रैल तक खिदमात को बढ़ाने के लिए अपने महदूद वसाइल को मुतहरिक कर रहा है। उन्होंने कहा कि शहर इस मौसम सरमा में 4 वार्मिंग सेंटर्स और 24 घंटे की मोहलत की जगह को शुरू करेगा और तकरीबन 180 नई जगहों के लिए जगह बनाने के लिए शेल्टर बेड्स को एक दूसरे के करीब मुंतकिल किया जाएगा। नवंबर के वस्त से शुरू होकर जब भी दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा तो वार्मिंग सेंटर्स को खोल दिया जाएगा। 4 वार्मिंग सेंटर्स 136 स्पॉटनिया रोड, 35 एलिजबेथ स्ट्रीट, 15 ऑलिव एवेन्यू और 885 स्कारबरो गोल्फ क्लब रोड पर वाक़ होंगे। टेनर ने कहा, हुकूमत की आला सतहों की मदद के बगैर उफक पर कोई तवील मुद्दती हल नहीं है। ये शहर अपने $1.5 बिलियन के बजट के खसारे को पूरा करने में मदद के लिए बार बार वफाकी मदद का मुतालबा कर रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस और चीन पायदार तरक्की के हुसूल के लिए काम कर रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की कामयाबी पर चीन को मुबारकबाद पेश की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस और चीन पायदार तरक्की के हुसूल के लिए काम कर रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की कामयाबी पर चीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को जदीद और वसी किया जा रहा है। बेल्ट एंड रोड तजारती सामान की महफूज और जल्द मुंतकली को यकीनी बना रहा है। रूस राब्तों के फरोग के लिए सड़कों के साथ साथ रेलवे ट्रैक वसी करने पर काम कर रहा है। चीन के शहर बीजिंग में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि शी जिनपिंग के अहम इकदाम की 10वीं सालगिरह मना रहे हैं। फोरम के जरिए मुल्कों को आपस में जोड़ने के लिए इकदाम किए गए हैं। फोरम के तहत जारी मंसूबों की कामयाबी पर खुशी है। दूसरी जानिब चीन के सदर शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मजीद बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि आलमी मॉडर्नाइजेशन अमन और खुशहाली के लिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में बेल्ट एंड रोड जिंदगी बचाने का सबब बना। बेल्ट एंड रोड अब फिजिकल कनेक्टिविटी से इदारा जाती कनेक्टिविटी बन चुका है। BRI मिलकर मनसूबा बंदी, तामीर और फायदा उठाने का जरिया है। बेल्ट एंड रोड के जरिए चीन अपने दरवाजे वसीतर खोल रहा है। चीन में मुनक़िदा तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि यक तरफा पाबंदियों के खिलाफ है, ब्लॉक की सियासत हमारा इंतखाब नहीं। चीनी सदर ने कहा कि चीन 140 ममालिक और इलाकों के लिए अहम तजारती शराकत दार बन चुका है। बेल्ट एंड रोड फोरम के इससे कबल 2 इजलास हो चुके हैं। इस फोरम के तहत क्लीन एंड ग्रीन इकोनॉमी को तरजीह दी गई। फोरम के तहत तरक्की पजीर मुल्कों के लिए नई इक्तिसादी राहदारियों का क्याम तरजीह है। CPAC के जरिए खत्ते के ममालिक के बाहमी राबतों को फरोग हासिल हुआ। सिल्क रोड का बुनियादी मकसद अमन और ताबुन को फरोग देना है। टैग TV के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग TV। Precise and effective.